वंस अगेन वेलकम इन टीम बिल्डिंग सेशन फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, और जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था फोर सेंटर मॉडल के बारे में, और हम देखेंगे जानेंगे उस मॉडल को, उस सेंटर को हम किस तरह से बिल्ड करेंगे, राइट। तो हमारा फोर सेंटर मॉडल में हमारा पहला जो सेंटर आएगा उसको हम बोलते हैं कलेक्शन सेंटर। डैम का लेवल वन है हमारा, ये टास्क हम तक आसानी से ना पहुंचे और कौन सी चीज़ पहुंचे और कौन सी चीज़ नहीं पहुंचे। तो पहला सेंटर हमारा कलेक्शन सेंटर हो गया। सेकंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया, जहां पर हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो काम जो हमने डिसाइड किए हैं। और उसके बाद थर्ड लेवल आता है हमारा एग्जीक्यूशन सेंटर, जहां पे हम उन कामों को एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने डिसाइड किए हैं करने के लिए। और फोर्थ हमारा आएगा इवेल्यूएशन सेंटर, जहां पर हम हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करेंगे कि ये काम करने में मुझे रिजल्ट निकालने में 7 दिन लगे हैं, क्या मैं इसको 3 दिन में निकाल सकता था, या ये काम करने के लिए मुझे जो आउटकम है, जो रिजल्ट मिला है वो 6 घंटे में मिला है, क्या ये 2 घंटे में निकल सकता था। तो परफॉर्मेंस को हम हमारी इवेल्यूएट करेंगे। अब चलते हैं हम लोग हर एक सेंटर को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो पहला सेंटर हमारा कलेक्शन सेंटर है, और कलेक्शन सेंटर हम देखेंगे कि हमें नॉट टू डू लिस्ट बनानी है, राइट। क्रिएट ए नॉट टू डू लिस्ट फॉर लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए नॉट टू डू लिस्ट बनानी है कि ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें छोड़ना है, हम कर सकते हैं तो भी हमें नहीं करना है, राइट। मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना, बड़े बड़े चैलेंजेस लेना, लेकिन आप 58-54 वाले काम करोगे तो 58-54 के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मार्केट में, राइट। तो कौन से काम करना है और कौन से काम नहीं करना है वो हमें डिसाइड करना है, कौन कौन से काम छोड़ना है हमें, कौन से काम है जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी मार खा रही है, राइट। तो यहाँ पर नॉट टू डू लिस्ट बनानी है, और ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए देगी। एज ए वाइफ मैं क्या नहीं करूँगा, या एज ए हस्बैंड मैं कौन से काम नहीं करूँगा, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कौन से काम नहीं करूँगा, तो ये काम हमें छोड़ना है, राइट। मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी को सर्विसिंग को लेके जाना है, तो इसमें बहुत सारा टाइम पास होता है, तो क्या इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं मेरे जो मेरी गाड़ी चला रहे हैं उनको मैं बोल सकता हूँ, राइट। मेरे इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें होटल बुकिंग करना है, साउंड वाले से बात करना है, कैमरा वाले से बात करना है, ये सारे काम मुझे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, राइट। तो ये काम मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसे बहुत सारे काम निकाले हैं जो मैं नहीं करूँगा। मेरे डेटाबेस जनरेट करना है, टेलीकॉलिंग करनी है, तो ये वो काम है जो आदमी 5,000 या 10,000 वाला कर सकता है। और अगर मैं ये काम करता रहूँगा तो मेरे अंदर भी 5,000 और 10,000 वाली आत्मा आ जाएगी, फिर मैं लाख और करोड़ वाले काम नहीं कर पाऊँगा, राइट, और एक बड़ी कंपनी नहीं बना पाऊँगा। इसलिए आपको नॉट टू डू लिस्ट बनानी है। एज ए फैमिली बहुत सारे काम मैंने छोड़े, जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें खाने में क्या रखना है, या घर में कोई इंटीरियर का काम हो रहा है तो उसको सुपरवाइज करना है, तो मैंने ये चीज़ें मैंने डेलीगेट कर दी है, मैं नहीं करता, मेरी वाइफ को अकाउंटेबिलिटी दे दी है। तो एज ए फैमिली मुझे क्या करना है, ये करना है, ताकि मैं एक अच्छा इफेक्टिव पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकूँ मेरी फैमिली में, एक आइडियल हस्बैंड बन सकूँ, एक आइडियल फादर बन सकूँ। तो नॉट टू डू लिस्ट आ गया आपका। टाइम क्रिएटर बनना है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें टास्क जमा करना और हमारे पास आने से रोकना है। और वो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट PA या EA एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहना चाहिए, और वो हमारे पास कामों को आने से रोकेगा, राइट। मिसाल के तौर पर कोई भी कंप्लेन आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो आपके ऑफिस में एक बंदा है जिसके पास वो सारे काम आ रहे हैं, फिर वो देखेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर डाइवर्ट करनी है। ये काम दीपाली हैंडल कर सकती है, ये काम दीपा जी हैंडल कर सकती है, ये काम पूजा जी हैंडल कर सकती हैं, ये काम सलमान सर के पास जाएगा, ये सलमान सर ही करेंगे, राइट। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है, अपने पास एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वो सारी अपनी सारे टास्क को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। तो ये हमारा लेवल वन था कलेक्शन सेंटर, जिसमें हमने सारे काम को नॉट टू डू लिस्ट बनानी है और अपने टाइम ब्लॉकर बनना है, काम को हमारे पास आने से रोकने के लिए हमें पर्सनल असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखना है, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटर आता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन से काम करना है, डिसाइड टू डू ओनली इंपॉर्टेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। मतलब हमें वो काम छोड़ना है जिसमें हम रिजल्ट और हर काम रिजल्ट ओरिएंटेड है अगर देखा जाए तो, लेकिन मुझे देखना है मैं कौन से काम में रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो हम 4 तरह के काम करते हैं, कुछ कामों में हम बैड हैं, कुछ में हम एबल हैं, कुछ में हमारी सुपीरियर क्वालिटी रहेगी, और कुछ में हम एक्सीलेंट हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीकॉलिंग करने बैठता हूँ तो 3-4 कॉल के बाद ही मैं मेरा माइंड सेचुरेट होने लगता है और मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ, तो टेलीकॉलिंग मुझे नहीं जमता है, राइट। मेरे घर में कोई इंटीरियर का काम हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, और आप मेरे को खड़ा कर दोगे और देखने के लिए, मेरे फैमिली वालों ने कई बार किया है, और मेरी प्रेजेंस में वो काम हमेशा गलत ही हुआ है, मतलब AC सीधा लग रहा है तो टेढ़ा लग जाएगा,
मतलब मैं कितनी बार भी करने बैठूंगा ना वो काम, तो मैं उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे हैं, सेम आपके साथ भी ऐसे कुछ काम होंगे, तो वो काम को आइडेंटिफाई करके लिखो, वो काम आपको नहीं करना है। राइट, डेटा जनरेट करना है, टेलीकॉलिंग करना है, ये मेरे ऑफिस के काम है, ये मैंने बैड उसमें मैं नहीं कर सकता, तो ये मुझे नहीं करना है। सेकेंड काम जो है उसमें मैं ठीक ठाक हूँ, जैसे मेरे प्रोग्राम के लिए PPT डिज़ाइन करनी है, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक ठाक बन जाएगी, एवरेज बनेगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनेगी। तो वो काम भी मुझे क्या करना है, PPT वगैरह हो गया, ये काम भी मेरे ठीक ठाक है, मतलब इतने अच्छे नहीं है, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये काम भी मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे नॉट टू डू में जाएंगे। राइट, तो पहला जो काम है वो तो मैं रिजल्ट ही जीरो दे रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ उसमें। सेकेंड में मैं एवरेज मार्क्स लेके पास हो रहा हूँ, अगेन उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दे पा रहा हूँ रिजल्ट। तो ये काम उनको देना है जिसमें उनकी वो लोग जिनकी सुपीरियर एक्सीलेंस एबिलिटी है, जिसमें वो लोग महारत हासिल कर अच्छे मजा करने मजा आता है। मैं जब ये काम करने बैठता हूँ और मेरी बैटरी अगर 100 है तो वो डायरेक्ट 20 पे आ जाती है, मैं डिस्ट्रैक्ट, मेरी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है और मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। राइट, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको करने में मजा आता है, तो ऐसे लोग ढूंढ के लेकर आओ और उनको ये काम दो, ताकि हर आदमी अपना बेस्ट दे सके। अब थर्ड तरह के काम वो होते हैं जिसमें हमें करने में, हम जब करने बैठते हैं तो हमारा बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड, हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, जैसे कि सेल्स। और सेल्स मुझे आता नहीं था ये टास्क, मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर की जॉब कर रहा था, मुझे तो बच्चों को पढ़ाया करता था, सेल्स मुझे नहीं आता था। लेकिन जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, ये स्किल को मैंने सीखा, लर्न किया और मुझे करने में मज़ा आया, ये लर्नेबल स्किल है। तो सेल्स में करने जब मैं बैठता हूँ तो मैं चेक लेकर उठता हूँ या पेमेंट लेकर निकलता हूँ वहाँ से, यहाँ पर मेरी पकड़ अच्छी है और यहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े केस स्टडीज है जहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े डील्स को क्रैक किया है। तो ये काम मुझे करना चाहिए, डेफिनेटली मुझे करना चाहिए। राइट, लेकिन अगर दिल से देखो तो इसके अलावा कुछ एक और काम है जो मुझे इससे भी ज़्यादा करने में मज़ा आता है, इसमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब मैं करने बैठता हूँ सेल्स तो मुझे फिर मेरे को रिजल्ट निकलना ही निकलना है, मुझे आगे उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, वो सारे प्रिंसिपल, वो सारी चीज़ें मुझे पता है किस तरह से करना है, डील को क्रैक करना है, और जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता है, मैं करके ही उठता हूँ वहाँ से मैं। तो ये सुपीरियर क्वालिटी का काम हो गया मेरा। फोर्थ कैटेगरी एक्सीलेंस वाला काम है, वो है लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, चैलेंज लेना, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, और ये मैं करते आ रहा हूँ पिछले 7 साल से। राइट, और ये मेरी यहाँ पर मेरी एक्सीलेंट एबिलिटी है, मतलब अगर तुम मुझे रात में 2 बजे बोलोगे, 4 बजे बोलोगे, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे बोलोगे, दोपहर में बोलोगे, किसी भी टाइम पे बोलोगे, मैं कभी भी ये काम कर सकता हूँ। मैं बीमार अगर रहता हूँ, मैं स्टेज पे जाता हूँ, मेरी बीमारी भाग जाती है। राइट, मतलब मेरी बैटरी अगर 30 या 20 है, मतलब मैं लो फील कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्टेज पे आता हूँ या वेबिनार में बात करने आता हूँ, मैं चार्जअप हो जाता हूँ और मेरी बीमारी भाग जाती है और मेरी 20 से डायरेक्ट बैटरी 100 हो जाती है। मतलब एनर्जी पता नहीं कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ कौन सी सोर्स के साथ परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो जाता हूँ, क्या हो जाता है पता नहीं मुझे, लेकिन ये मेरी एक्सीलेंट एबिलिटी है और मैं शायद इसी के लिए बना हूँ। राइट, तो मुझे कौन से काम करना है, मुझे सुपीरियर एक्सीलेंस वाले काम करना है, सेल्स करना है मुझे, और मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है, बाकी जो दो काम है वो मुझे डेलीगेट कर देना है। सेम जिन लोगों को मैं डेलीगेट कर रहा हूँ उनको भी देखना है मुझे, इनका सुपीरियर एक्सीलेंस एबिलिटी कौन सी है। मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ड है और जब मैं सेल्स में देखा, मैंने जब देखा कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, रैपो बिल्ड करना पड़ेगी, तो मैंने रिलेशन बिल्डिंग के लिए उन लोगों को काम दिया जो लोग एक्स्ट्रोवर्ड थे। फॉर एग्जांपल दीपा मेरे साथ थी, तो दीपा को मैंने काम दिया RM के लिए, रिलेशन मैनेजर का, ताकि दीपा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होती थी फ्रेंडली और बहुत अच्छी रैपो बिल्ड करती थी। राइट, बाद में सेल्स मीटिंग के लिए मुझे लेके जाती थी, मैं क्या कर देता था। तो लोगों से रिलेशन बिल्ड करने के लिए उन लोगों को मैंने रखा जिनकी वो सुपीरियर क्वालिटी थी। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो लोग जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उनको वो काम दो। मुझे याद है शिल्पा करके एक लड़की थी मेरे पास, एज ए वॉलंटियर मेरे पास काम करी थी, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में की स्टूडेंट थी, पार्ट टाइम आई थी और बहुत क्रिएटिव वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, इमेजेस बनाती थी, उसको करने मज़ा आता था। ये वो काम था जिसमें मैं ठीक ठाक था, मैं कोई रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन वो छोटी सी लड़की बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट दे रही थी। वो क्यों दे रही थी, क्योंकि उसका वो सुपीरियर एक्सीलेंस एबिलिटी में काम आता था वो। तो राइट आदमी को राइट चेयर पे बिठाना है अपने को। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हमको पता चल गया कि सलमान भाई के पास 2 ही काम भेजना है, एक तो सेल्स वाला भेजना है और दूसरा काम कौन सा भेजना है, ट्रेनिंग का भेजना है, बाकी सारे काम हमको डेलीगेट कर देना है। अब थर्ड सेंटर जो आता है वो आता है हमारा एग्जीक्यूशन सेंटर, जहाँ पे हम हमारे कामों को एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, फोकस ऑन योर जॉब एट हैंड। जब तुम एक काम करने बैठे हो तो तुम्हें इस पर फोकस करना है जिस काम को तुमने हाथ में लिया है। राइट, और उसका मतलब होता है, फोकस का मतलब है सेइंग नो टू 99 थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग।
मतलब जब तुम एक काम कर रहे हो तो 99 काम को करने के लिए तुम्हें मना करना आना चाहिए। मैं 1-to-1 कंसल्टिंग करता हूँ और मैं देखता हूँ, एम्प्लॉय को भी बताता हूँ मैं, वो दिन भर भागते रहते हैं, बोलते सर ने बोल दिया तो मना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैं उनको बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ कि आपको मना करना होगा, आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी, रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो शायद आप नौकरी चली जाएगी आपकी, राइट। सामने वाला बोलेगा उसे नहीं पता, लेकिन सामने वाले को बताओ प्रायोरिटी क्या है, पहले सर मैं ये काम कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं करूंगा, अभी मैंने ये काम हाथ में लिया है। अगर कुछ ज्यादा क्राइसिस में है तो समझ सकते हैं, लेकिन आप जब ना बोलोगे लोगों को तब आप अपने आप को फोकस कर सकोगे। और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिए हैं, और ना जाने कितने एम्प्लॉयज अपनी कंपनी छोड़ दी होगी ये सिर्फ ना बोलने के चक्कर में, वो 10% लगा के फिर यहाँ भाग जाते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो अभी आपको ये समझना है, जब आप एक काम करने बैठे हो तो 99 चीजों को ना बोलना आना चाहिए आपको, राइट। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकता वापस से, और अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा बार बार आ रहा है, 3-3.5 साल का है। मैंने वाइफ को बोला उसको बाहर रखो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ दूसरी चीज़ को, मैं डिस्ट्रैक्ट करेगी मुझे। तो आपको 99 चीज़ों को ना बोलना है, समझ में आ रहा है। और ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो शाम में मैं कहीं देखते हैं बाद में, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगा देंगे या बाद में कुछ प्लान कर लेंगे उसके लिए। लेकिन आपको एक काम जब करने बैठे हो तो 99 चीज़ों को ना बोलना आना चाहिए। आप करने बुक लिखने बैठे हो, फिर बाद में किसी का कॉल ले लोगे, फिर आप मेल चेक करने बैठ जाओगे, फिर वाइफ ने बुला दिया वहाँ चले जाओगे, राइट। ये सारी चीज़ों से आपको मना करना आना चाहिए अगर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, राइट। नेक्स्ट चीज़ आती है आइडेंटिफाई योर पीक। अपना पीक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पीक प्लेस आइडेंटिफाई करनी है, पीक टाइमिंग आइडेंटिफाई करनी है, और पीक पीपल्स आइडेंटिफाई करनी है, और पीक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। मतलब क्या हो गया, कुछ जगहें होती हैं जहां पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका कोई घर में एक सोफे पे एक कोना हो गया जहां पर बैठ के आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, राइट। सेम आपकी कुछ टाइमिंग हो गया, मतलब कुछ लोगों को सुबह में काम करने मजा आता है, कुछ लोगों को रात में काम करना मजा आता है, कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो मेरा कौन सा टाइम है जहां पर मैं अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता हूं, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ काम करने मजा आता है, जैसे मेरे कुछ ऑफिस के कुछ स्टाफ हैं बहुत मोटिवेटेड इंस्पायर है, उनके साथ काम करने मजा आता है। कुछ लोग हैं दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मुझे उठने बैठने मजा आता है। तो कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करने मजा आता है, और कुछ लोग हैं जो दुखी कर देते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना कम कर दो, हो सकता है आपके ऑफिस में भी रहेंगे। पीक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करने मजा आता है, तो अपना पीक आइडेंटिफाई करना है हमको, राइट। लर्निंग कल्चर पर काम करना है, एवरी वीक अपनी आपको अपग्रेड करना है अपने क्षेत्र में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं उन कामों की जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब हमें पता चल गया हमें एग्जीक्यूट क्या करना है, हमें ट्रेनिंग लेना है और सेल्स करना है, राइट। या इसके अलावा कुछ और हमारे काम निकल के आएंगे जब हम बनाएंगे, तो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे कि आज रात में मेरी सोने से पहले टू डू लिस्ट बन जाएगी कि कल मैं कौन से काम करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड सेंटर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ सेंटर में। फोर्थ सेंटर में हम क्या करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और हम देखेंगे यार मैंने जिस क्लाइंट को फॉलो कर रहा था इसको मेरे को क्लोज करने के लिए 1 हफ्ता लग गया, 7 दिन लग गए, राइट। या यहां से मेरे को बहुत कम पेमेंट निकला, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। परफॉर्मेंस को कैसे मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, ये 7 दिन का काम 1 दिन में कैसे लेके आ सकता हूँ, 6 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे लेके आ सकता हूँ। तो मुझे पता चलेगा जो मैं कस्टमर्स को हैंडल कर रहा हूँ वो 4 तरह के कस्टमर्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और 4 तरह के कस्टमर कौन कौन से हैं, पहली कैटेगरी कस्टमर वो आते हैं जहाँ पर मेरे को लो टाइम एंड एफर्ट लगता है, मतलब लो टाइम मेरे को बहुत कम लगता है और एफर्ट भी मेरे को बहुत कम लगता है उनको क्लोज करने के लिए। तो बहुत कम टाइम और बहुत कम मेहनत में मैंने उस डील को क्रैक कर दिया, लेकिन जो रिजल्ट निकला या जो वैल्यू प्रोड्यूस की मैंने वो भी बहुत लो है, मतलब बहुत चिंदी, मतलब बहुत लो वॉल्यूम क्लाइंट था वो, बराबर है। तो ये बहुत आठाना चाराना वाला क्लाइंट था मेरा, ये इसलिए मेरी प्रोडक्टिविटी मार खड़ी है, इसलिए मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मेरा वो जो फिगर है वो बढ़ नहीं रहा है। सेकंड जो क्लाइंट था वो, सेकंड तरह के जो क्लाइंट रहेंगे वो इस तरह वो रहेंगे जहां पे मेरे को हाई टाइम लगेगा और हाई एफर्ट लगेगा, मेरे को टाइम बहुत लग रहा है, मेरे को मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन जो रिजल्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी बहुत छोटा आ रहा है और वॉल्यूम भी बहुत छोटा आ रहा है, वैल्यू भी बहुत छोटा आ रहा है। तो पहले दो कैटेगरी, एक में टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक में कम लग रहा है, लेकिन दोनों ही केस में रिजल्ट में बहुत छोटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। तो क्या ये क्लाइंट को मेरे को हैंडल करना है, ये क्लाइंट को मुझे हैंडल नहीं करना, ये क्लाइंट को मैं सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन की टीम को दूंगा मेरे, राइट। क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, जो मैं सैलरी ले रहा हूँ, जो मैं परसेंटेज ले रहा हूँ उसके लिए मेरे को बड़े चैलेंजेस लेना है। तो ये मैं फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन को दे दूंगा, मैं ये काम डेलीगेट कर दूंगा, ये सारे क्लाइंट जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैं।
थर्ड कैटेगरी क्लाइंट मेरे वो हैं जहां पर मेरे को टाइम और एफर्ट बहुत लग रहा है लेकिन वहां से रिजल्ट और वैल्यू बहुत आ रही है। मुझे याद है हमारी लाइफ का एक सबसे लंबा डील था, उसको क्रैक करने के लिए हमें 12 से 13 महीने लग गए थे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर, हमने पहले उसके ओनर से मिले, बाद में फैमिली बिजनेस था वो, फिर उसको हमने क्रैक करने के लिए गए। वहां पर 17 लोगों को बिठाया उसने, बोला मुझे मैं तो तैयार हूँ लेकिन सबको कन्विंस करना पड़ेगा, सारे लोगों से बात करना पड़ेगी। और जब हम उसको क्रैक करने के लिए गए तो वहां पर बीच में कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, उनके घर का एक दामाद था बिजनेस में था और वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और वन टू मैनी में कैसे क्लोज करना है उस दिन हमें समझ में आया कि यार ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगी, ये हमें नहीं आती है। उससे पहले तक हमने वन टू वन में क्लोज किया था, जहाँ पर सिंगल बिजनेस ओनर रहता है उसको तो हमने आराम से क्लोज कर लिया, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा, यहाँ तो 17 लोग बैठे हैं और सब झुंड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम डील क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ उस लीड को हम लोग नर्चर करते रहे, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करते रहे, कुछ ना कुछ वीडियोस हम सेंड करते गए अपने, और फिर हमने उसको उनको अलग अलग तरह से मिलने की कोशिश की। फिर हमने उनको एक प्रोग्राम के लिए अपने बुलाया फ्री ऑफ कॉस्ट में, और प्रोग्राम में जब वो आए देखा उन्होंने, और फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने बोला प्रोग्राम बैठेगा सलमान भाई कल बैठते हैं, और पूरे सारे 17 फैमिली मेंबर सब बैठे थे उस प्रोग्राम के अंदर, और नेक्स्ट डे वो डील क्रैक हो गई। राइट, इसके पीछे हमने इतना टाइम और एफर्ट लगाया, ये जो कंपनी थी 500 CR वाली कंपनी थी, और ये क्रैक होने के चक्कर में उनको बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जेंट क्लाइंट आ गए, इसका नाम दिखा देगा हमें बहुत सारे लोग मिले। राइट, तो आपको वो क्लाइंट जहाँ पे आपको टाइम और एफर्ट बहुत लगा लेकिन वहाँ से वॉल्यूम जो है वो इतना बड़ा आया, इतना बड़ा वॉल्यूम आया जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा वॉल्यूम था जो बिजनेस आया। और ये जो बिजनेस था जो अब तक हमने साल भर में शायद बिजनेस किया होगा, वो एक कंपनी से हमने निकाला, इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी और सारी ग्रुप की सारी कंपनी इन्होंने हमको दी ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत बड़ा हमने वॉल्यूम जनरेट किया। राइट, तो आपने टाइम और एफर्ट बहुत लगाया लेकिन आपने रिजल्ट भी जो प्रोड्यूस किया वो भी बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, 10 कंपनी के बराबर एक कंपनी ने आपको रिजल्ट दिया। राइट, तो ये क्लाइंट मुझे हैंडल करना चाहिए, डेफिनेटली मुझे हैंडल करना चाहिए। राइट, फोर्थ कैटेगरी क्लाइंट वो है जहां पर मेरे को टाइम और एफर्ट ज्यादा लगता है, कम लगता है, टाइम भी कम लग रहा है एफर्ट भी कम लग रहा है लेकिन रिजल्ट मुझे बहुत मिल रहा है, क्रीम क्लाइंट है। तो ये डेफिनेटली इन क्लाइंट के साथ भी मुझे इंटरेक्ट डील करना, मतलब इनको हैंडल करना है। तो मेरी कैटेगरी में थर्ड और फोर्थ वाले क्लाइंट रहेंगे जिनके साथ मैं काम करूंगा, और ऊपर के जो दो क्लाइंट है वो मैं डेलीगेट कर दूंगा। तो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं जहां से मेरे को 80% रेवेन्यू आएगा और वो मैं हैंडल करूंगा, बाकी मैं मेरी टीम को डेलीगेट कर दूंगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। राइट, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आपको सर्जन बनना है, GP नहीं बनना है, जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बनना है, इसीलिए आपको ये 4 सेंटर मॉडल फॉलो करना है। सर्जन क्या करता है, सर्जन आप जाता है सर्जरी करता है और बड़ा पैसा लेके चला जाता है। राइट, अब वो ना तो पेशेंट का फॉर्म भरता है, ना उसको लिटाता है, ना उसको एनेस्थीसिया देता है, ना उसको सलाइन लगाता है, वो आता है और सर्जरी करके निकल जाता है। लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर क्या करता है, वो सारे काम करेगा, वो तुम्हारी हाथ पकड़ेगा, चेक करेगा, बुखार की दवा देगा, टीवी की दवा देगा, कोविड की दवा देगा, हर चीज़ को, मतलब ऑलराउंडर हर चीज़ वो हैंडल कर रहा है। कंपाउंडर भी वही बन जाएगा। कंसल्टिंग फीस कितनी लेगा तुमसे, क्या लेगा, 500 रुपये लेगा, 1000 रुपये लेगा, मैक्सिमम 500 रुपये लेगा कटिंग, और ऐसे गली गली में बैठे हुए हैं। और ये GP जो होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये बड़ा गेम नहीं कर पाएंगे। बड़ा गेम करने के लिए आपको सर्जन बनना है, आपको सर्जरी करना है, दिन में 5, 10, 20 सर्जरी करके निकल जाओगे आप और बाकी काम आपकी टीम कर रही है। राइट, तो आपको अगर मार्केट को डोमिनेट करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया आपको नॉट टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, एज ए बिजनेस ओनर कौन कौन से काम आप छोड़ रहे हो, एज ए फादर आप कौन कौन से काम छोड़ रहे हो, एज ए मदर आप कौन कौन से काम छोड़ रहे हो, एज ए हाउसवाइफ आप कौन कौन से काम छोड़ रहे हो। राइट, हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी जो लॉयल और टैलेंटेड रहेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे और अपने बिजनेस में को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे। इसके बाद हम मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।